एक तरफ जहां भारत में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं उमरिया में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देश के बाद बिरसिंहपुर पाली के स्थानीय बस स्टैंड पर बसों को रोककर उसमें बैठे यात्रियों को वैक्सीन लगवाई गई। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देश के बाद बिरसिंहपुर पाली के स्थानीय बस स्टैंड में SDM नेहा सोनी, तहसीलदार अभिषेक पांडे व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां से गुजरने वाली बसों को रोककर बसों में बैठे यात्रियों को वैक्सीन लगवाई। स्वास्थ्य अधिकारी याउद्दीन खान ने कहा कि बस स्टैंड पर सत्र लगाकर यात्रियों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। इधर प्रशासन की इस पहल की यात्रियों ने खूब सराहना भी की, साथ ही साथ यात्रियों ने सभी से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। मैं शहडोल से उचेरा जा रही हूँ। पाली बस स्टैंड में अधिकारियों ने चेकिंग लगाकर बसों की सभी को वैक्सीन लगा रहे हैं। सभी से यही गुजारिश है कि सभी वैक्सीन लगवाएं स्वच्छ रहने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद शहजादा है। मैं शहडोल से नरोजाबाद जा रहा था पाली बस यात्रा में। पाली में अधिकारियों के द्वारा मुझे वैक्सीन लगाया गया। और वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, आप सभी लगवाएं। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि आज हमने बस स्टैंड पे एक सत्र लगाया हुआ है और बस को रोक के हम ये देखने में प्रयास कर रहे हैं कि जो यात्री इसमें सफ़र कर रहे हैं उनका वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है। तो देखने में ये मिल रहा है कि लगभग 25-30% यात्री ऐसे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, और शासन प्रशासन इसमें हमारी SDM मैडम और तहसीलदार का सहयोग अच्छा मिल रहा है और उन लोगों को रोक के फिर उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो उन लोग भी थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं और वो वैक्सीनेशन के लिए बढ़ावा, मतलब एक तरह से वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने का ये प्रयास है। और एक बार उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा तो मुझे पक्का यकीन है कि वो अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भी बोलेंगे कि बस में सफ़र करने के पहले अपना वैक्सीनेशन करा लो, नहीं तो आपको बस स्टैंड पे या कहीं पर आपको रोक के वैक्सीनेशन किया जाएगा। देखा जाए तो उमरिया कलेक्टर द्वारा की गई इस पहल से कई लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं यात्री भी प्रशासन की हर पहल की सराहना कर रहे हैं। MP न्यूज़ के लिए मनु उपाध्याय की रिपोर्ट, उमरिया।